खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं
तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयिपे दयितेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय संचालक महोदय, परम विद्वान, भगवत कथारस रसिक रसज्ञ श्रोता समूह, आइए नित्य प्रति की भांति आज पुनः हम लोग प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं। और आज का जो प्रश्न है वो आदरणीय संचालक जी का ही है। श्री पटेल साहब लिखते हैं कि भगवद गीता का जो पहला श्लोक है, जिसका आरंभ होता है धर्म शब्द से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव, आवाज रामकुमार तिवारी जी का प्रश्न है बिलासपुर। अच्छा अच्छा तिवारी जी का ही सुंदर पहला श्लोक है भगवद गीता का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव मामका पांडवास्येव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र महाभारत के आरंभ में, महाभारत शुरू होने वाला है और वहीं वो संजय से प्रश्न करते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, अब आप बताइए। तो प्रश्न का जो मूल बिंदु है वो ये है कि क्या धृतराष्ट्र भी धर्म की बात करता है, धर्म शब्द से शुरुआत करता है बात की। वही बड़ी सीधी सी बात है, बड़े से बड़ा आधार्मिक व्यक्ति भी कभी ये नहीं कहता कि मैं अधर्म कर रहा हूं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि यह जो संसार में अधर्म चल रहा है, अन्याय चल रहा है, अत्याचार चल रहा है, यह धर्म के बल पर ही चल रहा है। धर्म तो धर्म के बल पर चल ही रहा है, अधर्म भी अगर संसार में फल फूल रहा है तो उसके पीछे भी वो धर्म का ही आश्रय लेकर के चलता है। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो धर्म है असली, अधर्म है नकली। संसार में जहां कहीं भी कुछ भी नकली चल रहा है वो असली के बल पे चल रहा है।
जैसे भगवान है असली, ब्रह्म है असली और संसार है नकली, तो संसार का आधार क्या है, इसका आश्रय क्या है? इसका आश्रय भी भगवान है। अगर भगवान ना होते तो ये संसार भी नहीं होता। जहां कहीं भी संसार में नकली चल रहा है वो असली के बल पर चल रहा है, ये सिद्धांत है। जैसे अब इस समय कोई ये कहे 1000 रुपए का नोट लेकर के बाजार में जाए और वो किसी दुकानदार को 1000 रुपए का नोट देना चाहे तो क्या ले लेगा? क्योंकि 1000 रुपए का जो असली नोट है वो चलता नहीं मार्केट में, असली नहीं है तो नकली भी नहीं चलेगा। वो दूर से ही कह देगा कि भाई ये तो 1000 रुपए का नोट कहां से तुम्हारे हाथ में आ गया। 2000 का चल सकता है, 500 का चल सकता है, क्योंकि 2000 और 500 के असली नोट हैं। इसीलिए धृतराष्ट्र भी जब बोलता है तो उसके मुख से भी पहला शब्द धर्म निकलता है। श्री रामचरितमानस में हम देखते हैं रावण कितना अन्याय करता है, कितना अत्याचारी है, कितना अधर्मी है, लेकिन वो भी अगर जब बात करता है तो क्या कहता है? कि नीति धर्म में जानत आहूं। वो अंगद से कहता है कि अंगद मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मार सकता हूं, तो क्यों नहीं मार रहे हो? बोले इसलिए नहीं मारता क्योंकि मैं नीति की बात को जानता हूं, धर्म की बात को जानता हूं। अंगद ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। अंगद ने कहा बात बिल्कुल सही है तुम्हारी, शायद तुमने सूपनखा के जो नाक कान काटे उस बात को भी आगे इसीलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि तुम नीति के जानकार हो और धर्म के जानकार हो। क्षमा कीन तुम धर्म विचारी, धर्मशीलता तव जग जागी, पावा दर्श हमऊ बड़भागी। हम भी बड़े भाग्यशाली हैं, हमें ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति का दर्शन तो हुआ कम से कम। श्री रामचरितमानस में ही मंथरा भी जब बात करती है तो मंथरा कैकेयी से ये नहीं कहती कि मैं झूठ बोल रही हूं। मंथरा भी कैकेयी से यही कहती है कि भाई सत्य बोलने में कोई अपराध नहीं है, सत्य कहे नहीं दोष हमारे, तो मैंने तो आपके सामने जो सत्य था वो प्रकट कर दिया, आप जो चाहें सो करें। और कोई भी व्यक्ति संसार में आप देखेंगे कि बड़े से बड़ा जो झूठा होता है वो ज्यादा सौगंध खाता है। जो सत्य बोलने वाला व्यक्ति होगा वो कभी सौगंध नहीं खाएगा। इसलिए सावधान हो जाना चाहिए ऐसे लोगों से जो ज्यादा ज्यादा कसमें खाएं। धृतराष्ट्र कहता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सभा। यहां प्रश्न का एक बिंदु और है, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के विशेषण के द्वारा क्यों बोला गया? इसके दो कारण है। ये जो युद्ध हो रहा है महाभारत का, इस युद्ध में युद्ध किस स्थान पर होना चाहिए इसकी जिम्मेदारी भगवान श्री कृष्ण को दी गई। कन्हैया आप तय करो कि युद्ध कहां होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दूतों को भेज दिया, जाओ भाई जाकर के भूमि का चयन करो, क्योंकि किसी भी कार्य को करने में जो आधार होता है वो बड़े महत्व का होता है, जो भूमि होती है वो बड़े महत्व की होती है। आप घर में बैठ करके पूजन करो, जप करो, ध्यान करो,
और घर से थोड़ा सा उठ करके मंदिर में चले जाओ, पास में वहां बैठ करके ध्यान करो, जप करो, अंतर हो जाएगा। थोड़ा सा और दूर चले जाओ, गंगा किनारे किसी मंदिर में बैठ करके जप करो, एकाग्रता और अधिक बनेगी। और किसी संत के सानिध्य में बैठ करके जप करो, थोड़ा सा घर से दूरी बना करके। जो लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता जप करने में, उनका भी वहां मन लगने लगता है। कारण केवल वही है कि भक्ति की भूमि और भोग की भूमि अलग अलग होती है। और यहां तो एक बहुत बड़ा निर्णय लेना है, वो निर्णय यह है कि यहां पर हजारों और लाखों लोगों की मृत्यु होनी है इस युद्ध में। सो ये दायित्व तो भगवान श्री कृष्ण को सौंपा गया कि कन्हैया आप तय करो कि युद्ध कहां होना चाहिए। भगवान ने अपने दूतों को भेज दिया कि किस भूमि की क्या विशेषता है, जिस भूमि में जो होता रहता है वहां के सूक्ष्म परमाणु वहां विकसित हो जाते हैं, वो लंबे समय तक रहते हैं। उस स्थान पर जाने पर व्यक्ति की मनोवृत्ति भी वैसी ही बन जाती है। इसलिए हमारे यहां राजाओं के यहां कोप भवन अलग हुआ करते थे। क्रोध करना है तो भाई अलग एक कमरा है, वहां चले जाओ। ये पूरे घर में जब जहां मन आवे वहां क्रोध मत करो, क्योंकि क्रोध के सूक्ष्म परमाणु पूरे घर में फैले और वो वायरस की तरह दूसरे लोगों में भी अटैक करें, दूसरे लोगों को भी क्रोध करने के लिए प्रेरित करें, ये ठीक नहीं है। कोप भवन अलग से हुआ करता था। क्यों हुआ करता था? क्योंकि वहां क्रोध के परमाणु होते थे। आपका आपको क्रोध आया है तो आप उधर चले जाओ। कब तक बंद रहना? बोले जब तक शांत ना हो जाओ तब तक वहीं रहो, बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। तो यह जो कुरुक्षेत्र की भूमि थी, यहां जो गुप्तचर जो सेवक गया हुआ था, उस सेवक ने लौट करके बताया। उसने कहा कि महाराज एक जगह मैंने देखी है। कन्हैया ने पूछा क्या विशेषता है वहां की? बोले वहां की विशेषता यह है कि पहली बात तो वहां जाने के बाद, वहां युद्ध शुरू होने के बाद फिर वह युद्ध बंद नहीं होगा, क्योंकि इसकी पूरी संभावना थी। भाई दो सभी लोग पारिवारिक हैं। ये जो महाभारत का युद्ध हुआ है ये बाहर के लोगों के साथ नहीं हुआ है। मामा चाचा फूफा ताऊ भाई ऐसा कोई सगा संबंधी नहीं है, यहां तक कि गुरु भी एक पक्ष में खड़ा था, दूसरा भी पक्ष में खड़ा हुआ था। सो इनके बीच में आपस में युद्ध होना है, ये बुद्धिमानों के बीच में होने वाला युद्ध है, मूर्ख लोगों के बीच में युद्ध नहीं हो रहा है। ये अपनों के बीच में युद्ध हो रहा है, और जब अपनों के बीच में युद्ध हो तो कई अवसर ऐसे आते हैं जब उस युद्ध के विराम की स्थितियां आ सकती हैं। कभी भी कोई ये निर्णय ले सकता है कि बस बस ठीक है, बंद करो, बहुत हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने यह निश्चय किया। अब भगवान जब इस बात को निश्चय कर लें, इस युद्ध में बचना किसी पापी को नहीं चाहिए। कौरवों का समूल विध्वंस करने की प्रतिज्ञा भगवान श्री कृष्ण की थी, और यह प्रतिज्ञा उन्होंने उसी दिन किया था जिस दिन दुष्ट दुर्योधन ने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया था। अन्यथा आप कल्पना कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं दूत बनकर के जाएं, क्या यह संभव है कि भगवान की कही हुई बात कोई न माने?
भाई किसी दूसरे व्यक्ति की बात तो कोई टाल सकता है, भगवान की बात को कोई कैसे टाल देगा? लेकिन भगवान की बात को भी, भगवान श्री कृष्ण की बात को भी दुर्योधन नहीं मानता है। और दुर्योधन कहता है सूच्यग्रे नैव दास्यामि, इससे बड़ा अन्याय, इससे बड़ा अधर्म, इससे बड़ा अत्याचार और क्या हो सकता है कि अपने भाइयों के लिए वो सुई की नोक के बराबर जमीन देने को तैयार नहीं है। क्या घट जाता अगर 5 गांव दे देता तो? तो इस भूमि में यह भी एक विशेषता होनी चाहिए थी कि वहां जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि किसी का मन बदल जाए। उस सेवक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया वहां एक बहुत बड़ी घटना घटी है, किसी का मन बदल ही नहीं सकता। कन्हैया ने कहा क्या हुआ है? बोले एक बड़े भाई ने छोटे भाई को आदेश दिया था, देखो यहां शब्द है क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, क्षेत्र शब्द का अर्थ होता है खेत, संस्कृत में क्षेत्र को खेत कहते हैं। बड़े भाई ने छोटे भाई को आदेश दिया था कि ये जो खेत का पानी बह रहा है इस पानी को रोकने का प्रयास करना है। छोटा भाई गया, उसने कुछ नहीं किया। बड़े भाई को पता चला, वो खेत पर गया और उसने अपने छोटे भाई का वहीं वध कर दिया, वहीं मार दिया, और मार करके उसके शव को खेत की मेड़ में वहीं पर लगा दिया जहां से पानी निकल रहा था। जहां बड़े भाई ने अपने सगे छोटे भाई का वध किया हो, जिस भूमि में, वो भूमि तो दूषित हो गई। इसीलिए अगर कभी किसी भूमि में कभी कोई मकान खरीदना हो, कभी कोई जमीन खरीदना हो, तो इस बात को अवश्य देख लेना चाहिए कि इस भूमि में कहीं कोई पाप कर्म तो नहीं हुआ है। इस भूमि में पहले कौन व्यक्ति रहता रहा है? हम लोग ये ना देखें कि यहां पर सुविधाएं क्या क्या हैं, सुविधाएं तो देखनी चाहिए, साथ ही साथ मुख्य बात यह है कि उस भूमि में कैसे लोग पहले रहते रहे हैं, उनका आचरण कैसा रहा है, उनका व्यवहार कैसा रहा है, क्योंकि वो लोग तो चले गए लेकिन अपने सूक्ष्म परमाणु उस भूमि पर छोड़ गए। अब आप रहेंगे, बहुत से लोगों को मैंने देखा वो कहते हैं कि पता नहीं क्यों जब से इस मकान में आए हैं तब से हमें रात में ठीक से नींद नहीं आती। हमने कहा आप ले लिया है तो थोड़ा सा हवन आदि कराइए, भगवान नाम संकीर्तन कराइए, रामचरितमानस का पाठ कराइए, इसके अलावा आप कोई उपाय है नहीं, क्योंकि अब आप ले चुके हैं इसे, अब ज़्यादा जानकारी करने से कोई फायदा नहीं है। जिस भूमि पर बड़े भाई ने छोटे भाई का वध करके और उस खेत की मेड़ पर लगा दिया हो, उस भाई की मानसिकता क्या होगी? सो उस सेवक ने कहा कि कन्हैया इससे अच्छा दूसरा स्थान कोई हो नहीं सकता। और इस भूमि की एक और विशेषता है, क्योंकि इसका नाम है कुरुक्षेत्र, और ये जो महाराज कुरु हैं ये पांडवों और कौरवों के दोनों के पूर्वज थे, इसीलिए इस वंश को कुरुवंश कहा जाता था। ये जो पांडव हैं और ये जो कौरव हैं, इन दोनों का जन्म कुरुवंश में हुआ है। महाराज कुरु इस वंश के आदि पुरुष थे, और कुरुक्षेत्र ये भूमि उनका खेत हुआ करती थी किसी समय। इस भूमि की उन्होंने बार बार जुताई किया। देवराज इंद्र ने देखा, ऐसी कथा आती है, इंद्र ने देखा तो देख करके वो गया, उसने कहा कि महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, इसी एक भूमि को बार बार इसकी जुताई कर रहे हैं। महाराज कुरु ने कहा कि मैं ऐसा चाहता हूं
आप एक कृपा करो कि जिसका भी प्राण इस भूमि पे निकले उसका मोक्ष हो जाए। इंद्र ने उपेक्षा कर दी, लेकिन यह प्रक्रिया अनेक वर्षों तक चलती रही। एक बार इंद्र ने अपने सारी देवताओं को बुलाया और बुला करके उनके सामने ये समस्या रखी। देवताओं ने कहा, महाराज कुछ शर्तों के साथ इस बात को मान लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। देवराज इंद्र गए और उन्होंने महाराज कुरु से कहा कि अगर कोई व्यक्ति उपवास करके यहां शरीर छोड़ता है तो उसका मोक्ष होगा, अगर किसी की वीरगति होती है अपने धर्म का पालन करते हुए इस भूमि पर शरीर छोड़ता है, अपने धर्म का पालन करते हुए इस भूमि पर शरीर छोड़ता है तो उसकी सदगति होगी। इसलिए भी यहां पर कुरुक्षेत्र के पहले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र इस शब्द का प्रयोग किया गया है। एक बात और है, देखो भगवद गीता एक और तो सांसारिकता की बात करती है, क्योंकि महाभारत में जो धर्म है, महाभारत का धर्म अलग है और श्री रामचरितमानस का धर्म अलग है। दोनों जगह धर्म की दो परिभाषाएं हैं। महाभारत का जो धर्म है, जैसा कि महाभारत ही जीवन का घृणित यथार्थ है, आप अगर महाभारत पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि खराब हुए बिना रह नहीं सकती। इसलिए हमारे संतों ने महाभारत को पढ़ने की बात नहीं की। महाभारत से शिक्षा तो लेनी चाहिए, क्योंकि हम जैसा पढ़ते हैं हमारी बुद्धि को वही भोजन मिलता है। अब जिस ग्रंथ में जो धर्मराज है वही जुआ खेलता है, जिस ग्रंथ में सर्व सामर्थ्य होने के बाद भी भरी सभा में अन्याय हो रहा है और उस अन्याय को देखा जाता है, एक शब्द नहीं बोला जाता, जबकि ये सब शास्त्रों के जानकार हैं, भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, ऐसा नहीं है कि ये सत्य को नहीं जानते, कि धर्म को नहीं जानते। महाभारत में ही लिखा हुआ है, नशा सभा यत्र नसंति वृद्धाः। ये सभा में ही तो द्रौपदी का अपमान हुआ था, और महाभारत कहता है कि वह सभा सभा नहीं है, यत्र नसंति वृद्धाः, जहां पर वृद्ध पुरुष नहीं होते। फिर पूछा गया कि वृद्ध किसे माने, बोले वृद्धा नते ये नवदंती धर्मम, वृद्ध पुरुष वे नहीं होते जो धर्म की बात ना करे। कोई आयु से तो वृद्ध है, आयु से तो बड़ा है, लेकिन धर्म की बात नहीं करता, तो इसके माने क्या हुआ? उसे हम वृद्ध नहीं मानते, उसे शास्त्र वृद्ध नहीं मानता। वृद्धा नते ये नवदंती धर्मम। फिर प्रश्न होता है धर्म क्या है? धर्मम न तत् यच्च छलेन वृद्धम। बोले वो धर्म भी धर्म नहीं है जिसमें छल मिला हुआ हो। यहां तो सब जगह वही हो रहा है। धर्मराज जुआ खेलता है, और धर्मराज एक बार जुआ खेलने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है, कन्हैया महाभारत का युद्ध आपने हमें जिताया, आपकी बड़ी कृपा, आपने हमें महाभारत का युद्ध तो जिता दिया, थोड़ी और कृपा करते। कन्हैया ने कहा क्या? बोले जुए में भी जिता देते। भगवान श्री कृष्ण मुस्कराए, उन्होंने कहा धर्मराज तुम धर्मराज कहलाते हो,
और जुआ खेलने जैसी बात करते हो। धर्मराज ने कहा, महाराज मैं राजा हूं। और कोई राजा को ललकारे? कन्हैया ने पूछा, किसने ललकारा? बोले दुर्योधन ने। तो बोले दुर्योधन से खेलते। धर्मराज ने कहा, कन्हैया मैं तो दुर्योधन से खेलता, लेकिन मैं क्या करूं, उसने अपने पक्ष में अपने मामा शकुनी को बैठा दिया। कन्हैया ने कहा, उसने अपने मामा शकुनी को बैठा दिया तो मुझे बैठा देते। अब जरा विचार कीजिए, जिस समय दुर्योधन ने यह कहा था युद्ध कि ये जुआ मैं नहीं खेलूंगा, ये मेरी ओर से शकुनी खेलेगा, और कहीं धर्मराज ये कह देते कि मैं नहीं खेलूंगा, मेरी ओर से कृष्ण खेलेंगे, तो क्या धर्मराज हारते? सच्चा धर्मात्मा वह होता है, अब आप अंडरलाइन कर लो कि सच्चा धर्मात्मा वह होता है जो किसी काम में कभी भगवान को नहीं भूलता। तो धर्मराज का सबसे बड़ा अपराध यह है कि वे भगवान श्री कृष्ण को भूल गए। उनके सामने खुला था सब कुछ, और वो कृष्ण को जानते थे अच्छी तरह से। भगवान श्री कृष्ण बैठे खेल में और फिर धर्मराज हार जाए, ये तो हो ही नहीं सकता कभी। कन्हैया ने आगे बोला कि चलो कोई बात नहीं, मुझे नहीं बैठाया, जिस समय तुम पासे फेंक रहे थे, दोनों हाथों के बीच में तुम्हारे पासे थे और तुम दोनों हाथों को रगड़ रहे थे, उसी समय तुम उन्हीं जुड़े हुए हाथों को मेरी ओर थोड़ा सा घुमा देते। कन्हैया अब की बार तू देख लेना, और फिर फेंकते। मैं तो तुम्हारे पास ही खड़ा था, लेकिन मेरा एक नियम है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से भी कहते हैं, मेरा एक नियम है, जो मुझे नहीं मानता मैं भी उसे नहीं मानता। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र है, ये जो कुरुक्षेत्र है ये धर्म क्षेत्र है, क्योंकि यहां पर धर्म युद्ध हो रहा है। एक ओर धर्म है और दूसरी ओर अधर्म है, एक ओर पुण्य है और दूसरी ओर पाप है। पुण्य और पाप में बहुत थोड़ा ही सा अंतर होता है। जब भी हम कोई काम अपने लिए करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कोई काम अपने लिए करते हैं वहां पाप की संभावनाएं होती हैं, और जब भी हम कोई काम समाज के लिए करते हैं, दूसरे के लिए करते हैं, वहां पुण्य की संभावना होती है। और इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी अपनों को मरवाया जो पाप के पक्ष में खड़े हुए थे, वो कोई भी क्यों ना हो। इससे बड़ा आदर्श और क्या हो सकता है, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये द्रोणाचार्य तुम्हारे गुरु हैं, इन्हें भी मारो। कह सकते थे द्रोणाचार्य को छोड़ दो, पितामह को छोड़ दो, बोले नहीं, जो जितना बड़े पद पर होता है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही होती है। और इसे भगवान श्री राम ने अपने जीवन में स्वयं करके दिखाया, क्योंकि राम बड़े हैं सबसे,
सो सबसे पहले उन्हें संदेश दिया गुरुदेव ने कि राम कल तुम्हारा राज्य अभिषेक होगा। राम जी चिंतामग्न हो गए, क्या यह उचित है? अंदर से आवाज आई, विमल वंश यह अनुचित एकु, और हमारे वंश में अभी तक कोई दोष नहीं आया, पहली बार गलत काम होने जा रहा है। बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेकु, जन्मे एक संग सब भाई, सभी भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, भोजन एक साथ किया, भोजन शयन केली लरिकाई, एक साथ सोए एक साथ खेले। अब ये जो भेद किया जा रहा है, बड़े को राजा बनाया जा रहा है, बड़ा तो वैसे ही बड़ा है, ये तर्क है श्री राम का। बहुत सारा पाप, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारा पाप परंपराओं के नाम पर जीवित है। उसे हम सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। पिताजी की, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, पिताजी की कमाई हुई संपत्ति पर पुत्र का स्वाभाविक अधिकार होता है, सरकार भी मानती है और समाज भी मानती है, हम आप भी इसे स्वीकार करते हैं। अगर पिताजी ने जीवन भर पाप करके धन कमाया हो, अथवा जीवन भर सत्कर्म करके धन कमाया हो, ऐसा बहुत सारा धन हमारे आपके लिए वो छोड़ जाए, उसका एक अंश, हमारा शास्त्र कहता है उसका एक अंश, 1/5 भाग हमें चाहिए कि हम उसका गरीबों के निमित्त, समाज के कल्याण के निमित्त, लोक कल्याण के निमित्त, राष्ट्र के महान कार्य के निमित्त खर्च करें। ये नहीं कि आंख बंद करके दान कर दें। इतना हम लोग, कई बार तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, हम धर्म नहीं कर रहे होते। अभी कल ही मेरी बात हो रही थी, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बताया कि मैंने अभी एक जगह जाकर के एक महात्मा जी को इतना इतना रुपया दान कर दिया। हमने उनसे पूछा, अच्छा किया आपने, दान करना चाहिए, इस बात की गारंटी है कि आपने सही जगह दान किया है। उन्होंने कहा कि और हम क्या करते। हमने कहा किसी गरीब विद्यार्थी को जो प्रतिभाशाली है, जो पढ़ना चाहता है, उसे कोई एक कोर्स करा देते, बीटेक करा देते, एमटेक करा देते, किसी परिवार में एक व्यक्ति है केवल कमाने वाला, और उसी को कोई ऐसा रोग हो गया जिसका ऑपरेशन जरूरी है और उसके पास धन नहीं है, खोजते तो बहुत मिल जाते, उसका ऑपरेशन करा देते। बहुत से ऐसे परिवार हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो हमारे आपके आसपास हैं और जिनके पास, जिनकी अवस्था अधिक हो चुकी है, अब वे कमाने के लायक नहीं हैं और उनके पास कोई साधन भी नहीं है, फिर भी जीवन निर्वाह के लिए वो अपना कुछ ना कुछ करना उनकी मजबूरी है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को 1.5 से 2 या 2.5 हजार रुपए में उनका महीना, पूरा महीना बड़ी आसानी से चलता है, बहुत अच्छा चलता है। हमारे आपके वेतन से अगर इतना पैसा निकल जाएगा हर महीने, क्या फर्क पड़ेगा?
जिसकी अवस्था 75 वर्ष हो गई है, 70 वर्ष हो गई है या 65 वर्ष हो गई है, वो कितने वर्ष तक रहेगा? हम कहते हैं भगवान करे वो 1000 वर्ष तक रहे, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना। उससे हम कह सकते हैं कि अब तुम्हें परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुमने जीवन भर परिश्रम किया, अब तुम चैन से बैठ करके खाओ। आजकल तो मोबाइल है और गूगल पे है, फोन पे है, आप आसानी से ऐसे व्यक्ति को किसी दुकान से जोड़ दीजिए, दुकानदार से कह दीजिए इसकी जो लिस्ट हो उस लिस्ट का सामान इसे दे दो और वो लिस्ट मेरे व्हाट्सएप पे डाल दो, मैं आपको सीधे पेमेंट कर देता हूँ। सामग्री इसे दे दो हर महीने, लिस्ट मेरे व्हाट्सएप पे डाल दो, मैं आपको सीधे पेमेंट कर देता हूँ आपके अकाउंट में। आप कहीं भी रह करके, आपको पता है मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। सो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ऐसा हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे जो अपने लोग हैं, जो मूल सूत्र है इस श्लोक का, हमारे जो अपने लोग हैं उन्हीं में से कुछ ऐसे हैं जिनके कारण हम ऐसा नहीं कर पाते। आप कोई भी धर्म करने चलो, सबसे पहले आपके अपने लोग बाधक बनेंगे।